कांग्रेस आलाकमान राजस्थान के सियासी संग्राम का हल निकालने में नाकाम साबित होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इस बीच यह भी खबर आ रही है कि कांग्रेस के आलाकमान ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान को सुलझाने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन को राजस्थान भेजा था, लेकिन वह इस हल को निकालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि माकन जिस तरीके से नियुक्तियां करवाना चाहते हैं उस पर अशोक गहलोत काफी नाराज है, और यही कारण है कि अशोक गहलोत पिछले एक हफ्ते से अजय माकन से बात तक नहीं कर रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि अजय माकन जिस तरीके से नियुक्तियां करवाना चाहते हैं उससे सचिन पायलट भी संतुष्ट नहीं है, ना ही सचिन पायलट अब अजय माकन से बात कर रहे हैं। यही कारण है कि दोनों की आपत्तियों के कारण ही राजस्थान में ना ही मंत्रिमंडल विस्तार हो पा रहा है, ना ही कोई भी राजनीतिक नियुक्ति निगम या बोर्ड में हो रही है। वहीं गहलोत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अजय माकन से ना तो सीएम बात कर रहे हैं ना ही सचिन पायलट, और डोटासरा की प्राथमिकता में है। उधर शनिवार को तीन विधायकों ने भी सचिन पायलट से मुलाकात की। इन विधायकों में हरीश मीणा, वीरेंद्र सिंह और वेद प्रकाश सोलंकी शामिल हैं। आपको बता दें, वहीं ये भी खबर आ रही है कि सचिन पायलट अब आगे के संग्राम की तैयारियां कर रहे हैं। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज से। धन्यवाद।